वेलकम बैक टू निमिषा स्मार्ट कुकिंग। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वेज बिरयानी। आपको मेरी वीडियो मलयालम में देखना है तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं वेज बिरयानी। सबसे पहले मैंने आधा कप दही लिया है एक बर्तन में। उसके बाद में मैंने एक स्पून धनिया पाउडर लिया है और दो स्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, आधा स्पून जीरा, आधा स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और बिरयानी मसाला दो स्पून लिया है मैंने और ग्रीन चिल्ली लिया है मैंने बारीक काट के, और एक मुट्ठी भर मैंने पुदीना और धनिया दोनों एक एक मुट्ठी भर के लेना है, और एक बाउल मैंने सब्जी लिए है पोटैटो कैरेट और बीन्स इतना मैंने लिया है, और इस मसाला को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इन सब्जी को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैंने चावल को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। मैंने 1.5 कप चावल लिया है बासमती चावल, उसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद में मैंने एक तपेली लिया है, उसमें मैंने 5 से 6 ग्लास पानी लिया है, उसमें 1 स्पून नमक और जीरा ऐड कर दिया है, और उसमें मैंने 2 से 3 स्पून ऑयल और नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चावल चिपकते नहीं है और अच्छे से खिलते हैं। जीरा ने अच्छे से अपना कलर छोड़ दिया है और पानी अच्छे से उबल चुका है। हम इसमें हमारा चावल में से पानी निकाल के उसे इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसे हमें हिलाना नहीं है। जब चावल अच्छे से उबल के ऊपर आ जाए उसके बाद में ही हम हिलाएंगे इसे। हमें चावल को पूरा नहीं पकाना है, आप बॉइल ही करना है हमें। अब साइड में से हम इस तरह से हिलाएंगे और एक चावल को ऐसे तोड़ के देख लेंगे। अगर ये 2 टुकड़ों में टूट रहा है बस इतना रेडी है, तो हम इसे निकाल लेंगे। बाकी का चावल हम दम में पकाएंगे। मैंने सारे चावल को निकाल लिया है। एक बड़ा सा कुकर मैंने ले लिया है, इसे मैंने 2 से 3 स्पून मैंने घी ऐड कर दिया है। घी गर्म हो जाए उसके बाद में हम इसमें हम जीरा, तेज पत्ता, चक्रफूल, इलायची, दालचीनी और लौंग इतना हम इसे ऐड कर देंगे। और मैंने 5-6 काजू को भी इस तरह से तोड़ टुकड़ों में काट के उसे भी ऐड कर दिया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने वेजिटेबल को मसाला में मिक्स करके रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें सब्जी को पूरा पकाना नहीं है। बस एक उबाल आने तक वेट करना है, उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा ही डालना है, थोड़ा ग्रेवी बन जाए इतना ही। उसके ऊपर हम चावल को फैला देंगे। आधा ही हमें ऐड करना है अभी। इसके बाद में मैंने ऑनियन को गोल्डन फ्राई कर लिया था, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने केसर को पानी में भिगो दिया था उसे भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके ऊपर फिर से हम ये चावल को डाल देंगे। और फिर से हम ऑनियन डाल देंगे इसके ऊपर, और केसर वाला
पानी है उसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और ऊपर से हम घी ऐड कर देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। इसके ऊपर सीटी नहीं लगाना है हमें। और एक कढ़ाई, मैंने बड़ा सा कढ़ाई में मैंने पानी रखा है, इसमें हम मीडियम फ्लेम पे उसे आधे घंटे के लिए अच्छे से पका लेंगे। आधे घंटे के लिए पका लिया है मैंने, उसके बाद 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे, उसके बाद में हम इसे सर्व करेंगे। हमारा वेज दम बिरयानी रेडी है सर्व करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।